रिवेंज सब कुछ है, बस कमी है तो सिर्फ आपके देखने की। तो प्लीज स्टोरी को पूरा देख लो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने स्टोरी बनाने के लिए कितना मेहनत किया है। इसलिए स्टोरी के अंदर मैंने आप लोगों के लिए पूरे 5 व्यू रखे हैं। सिंपली वीडियो को पूरा देखो, कमेंट करो, साथ अपना आईडी अटैच करो और अगले वीडियो में पेमेंट प्रूफ भी देख लेना। अरे वो सब तो हमारी है। अच्छा जी, सुना लगता है और दूर नहीं चलेगा। यार तुमने फिर सब सत्यानाश कर दिया। तुमसे कितने बार कहूँ, तुम इस खटारे को बेच के कोई दूसरी गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? यार वो भी हमारे पास पैसा नहीं है ना, और शोरूम में भी हमारा बाबू ने बैठा है कि फोकट में दे देगा। रुको अभी ठीक करते हैं गाड़ी को। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगी। तुम और तुम्हारा ये गाड़ी दोनों खटारा है। आज मेरा इंटरव्यू है यार। पर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना बेबी, डोंट वरी, ठीक कर देंगे थोड़ा देर में। एक मिनट सुना, बस अभी नट कर देते हैं। बस पाद ही तो मारे अभी भी, इतना तो चलता है। यार सच में तुम ना एकदम से गंवार हो। इतने से पाद के लिए थोड़ी कोई गंवार हो जाता है अभी। हाँ पर तुम हो यार। प्रिया तू यहाँ क्या कर रही है? आज तो तेरा इंटरव्यू है ना? हाँ यार है तो, पर देख ना इसकी तो गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा तो प्रॉब्लम क्या है? चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे। हाँ यार ये ठीक रहेगा। अरे ऐसे कैसे ठीक रहेगा? अयो मिस्टर कौन हो तुम, अब कहाँ छोड़ दोगे? ये कौन है प्रिया? सवाल तो ऐसे पूछ रहा है जैसे बॉयफ्रेंड है तेरा। नहीं यार लकी, ऐसी कोई बात नहीं है। यार गाना देखो मुझे देरी हो रही है, इसलिए मैं लकी के साथ जा रही हूँ। पर बेबी अपनी गाड़ी भी तैयार है, इसमें चलते हैं ना। हाँ गाना, पर लकी के पास कार है ना, कार में जाऊंगी तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। तुम अपनी खटारा बनवा लेना यार, मैं जा रही हूँ, बाय। पर प्रिया, प्रिया मैं भी छोड़ दूंगा। प्रिया जब आंखों के सामने छोड़ गई वो मेरा साथ सिर्फ एक कार के लिए, मुझे तो तभी समझ जाना था कि क्या निभाएगी वो मेरा साथ मेरे सच्चे प्यार के लिए। भाई जरा देखियो यार, इसके क्लच के सबसे नीचे वाले वायर के चौथे सॉकअप पे कुछ फंस गया है। उत्तरी तन्ने तो बहुत पता है भाई गाड़ी के बारे में। हाँ भाई इंजीनियरिंग की है हमने। तुम हमारा गाड़ी देख दो यार, साला इसकी वजह से हमारी गर्लफ्रेंड कार वाले के साथ चल रही। तो फिर काहे की गर्लफ्रेंड भाई, अगर सच्चा प्यार हुए तो तुम्हारे साथ वो पैदल भी चल देगी। ये बात तो सही है भाई, पर हम उससे प्यार करते हैं ना इसलिए सह लेते हैं। तुम हमारी गाड़ी देख दो यार। अच्छा ठीक है देख लेते हैं भाई। अगर प्यार ना होता ना तो आज ही ब्रेकअप कर देते साला, पर इतना तो सही सकते हैं ना हम, इसलिए जान दो। क्या हुआ बरकुदार, कहाँ रह गए थे? आज काम मिल जाएगा क्या? नहीं माँ, आज मन नहीं है हमारा, शरीर टूटा टूटा सा लग रहा है सारा। अच्छा क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ, बस मन नहीं है काम का। अच्छा तो चल ठीक है, तेरे लिए कुछ खाने का बना देती हूँ। कुछ खाएगा तो तन मन सब ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा और ना हुआ तो मार खाएगा बेटा। क्या ये क्या बात है माँ, और नहीं तो क्या? मोहब्बत का पता तो मुझे तब चला जब माँ के प्यार से मेरा गम जला। चल अब चल के कुछ खा ले, मैं कुछ बना देती हूँ। ठीक है माँ, वैसे भी पात पात के सब बच गया। अरे ये क्या, ये यहाँ क्यों आई है? क्या हो गया, क्यों आई हो तुम यहाँ? जाओ ना अपने कार वाले दोस्तों के साथ आना, तब इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा तुम्हारा। यार गाना तुम अभी भी वही बात लेके बैठे हो, भूल जाओ ना, गलती हो गई। अच्छा गलती हो गई तो तुम मान रही हो अपना गलती? हाँ बाबा सॉरी। अच्छा ठीक है कर दिया माफ, बताओ कहाँ आई हो? हाँ यार देखो वो जो लकी था ना उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम भी आना ना प्लीज, मिल में आ जाना और प्लीज अच्छे कपड़े पहन के आना। अच्छा ठीक है आ जाएंगे, लगता है ये बार अपने दोस्तों से मिलवाएगी ये हमें। चलो कपड़े तैयार करते हैं। ये देखो अब लगे ना हम हीरो, हमको कोई भी लड़की देख के ऐसे ही सेट हो जाएगी। अच्छा अब बोल दिए तो सोचना का हो ही जाएगी। माँ सुनो ना, हम एक पार्टी से होकर आते हैं। हाँ ठीक है बेटा, और मेरे रिक्शा में थोड़े चावल भी रख दिए, जाते जाते पीसने के लिए दे देना। कक्का रिक्शा में जाएंगे माँ? तू क्या बाइक में जाने वाला है बेटा? तू ये तो कहता है कि तेरी बाइक में बहुत बेइज्जती होती है, रिक्शे में चले जा, दूर खड़े कर देना। बात तो ये भी ठीक है माँ, ठीक है रिक्शा में चल देते हैं, आते वक्त उधर से काम में निकल जाएंगे। बाय माँ। बाय बेटा, संभल कर जाना। अच्छा एकदम संभल के जाएंगे माँ, आज तो हम प्यार में हैं, साला ऑटो को भी नागिन बनाएंगे।
यार लक्की भाई बधाई हो, तुमको तो एक ही बार में नौकरी मिल गई यार। अबे लक बहुत अच्छा है तेरे भाई का, क्यों प्रिया? हाँ यार वो तो है, हर साल मैंने भी ट्राई किया था पर नौकरी तो बस तुझे ही मिला। वाकई में कमाल का लक है तेरा। थैंक यू यार, पर प्रिया तू ही देखना बहुत टाइम हो गया, और कितना देर वेट करेंगे तेरे फ्रेंड का, चलना पार्टी शुरू करते हैं। यार अब जा, इतना देर रुके, थोड़ा देर और रुक जाओ, आते ही होगा वो। अच्छा यार एक मिनट, कहीं वो ऑटो में तो नहीं आएगा? नहीं यार, इतना भी लो स्टैंडर्ड नहीं है उसका। अच्छा फिर ये कोई और होगा, क्यों बे कौन है तू? अरे ये क्या काना, तुम ऑटो में आए हो और वो भी खुद चला कर? हाँ कहाँ हो गया, हमारा खुद का है। यार प्रिया ये तो हद हो गया, तूने हमको इस दो कौड़ी के ऑटो ड्राइवर के लिए वेट करवाया। ना भाई वो हमारे पापा नहीं है ना, इसलिए हम ऑटो चलाते हैं, हम दो कौड़ी के आदमी नहीं है भाई। बस यार बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती करवा ली तुमने मेरी, बस ये और नहीं रहना तुम्हारे साथ। पर प्रिया इसे मेरी ये गलती है, वो तो तुम्हारे दोस्तों की सोच छोटी है। बस बहुत हो गया और कुछ नहीं सुनूंगी मैं, उनकी सोच नहीं तुम्हारी औकात छोटी है गाना। प्रिया हाँ गाना, और मैं आज और अभी से तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है मुझे पाने की। प्रिया चल यार, प्रिया क्यों उस दो बड़ी आदमी के लिए अपना समय बर्बाद कर रही है, चल चल के पार्टी करते हैं। रुक जाओ प्रिया रुक जाओ, मैं दो कौड़ी का इंसान नहीं हूँ, मेरी भी औकात है। रुक जाओ प्रिया, तूने पैसे से नाप लिया प्यार मेरा, हर वादा झूठा था तेरा। ठीक है पैसे ही सब कुछ है ना, तो पैसे ही कमाना आखिरी मंजर होगा मेरा। देख रही है प्रिया, ये जो सामने तेरे बिल्डिंग है ना, यहाँ मैं काम करता हूँ, मैंने बॉस से तेरी सिफारिश भी कर दी है, आके ज्वाइन कर ले, तेरी लाइफ बन जाएगी यार। थैंक यू यार लकी, थैंक यू सो मच, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। अरे नहीं यार ये सब बोल के मुझे छोटा मत कर, देख मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, तू बस मेरा प्यार अपना ले, मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ यार लकी मुझे तुम्हारा प्यार मंजूर है, और वैसे भी मैंने दो कौड़ी के ऑटो ड्राइवर के लिए अपनी जिंदगी का बहुत सा वक्त खराब कर दिया। हाँ तो यार अब उस भिखारी को याद करके क्यों अपना मूड खराब कर रही है, तूने मेरा प्यार अपना लिया ना और तुझे नौकरी भी मिल गई, चल इसी बात पे एक जम के पार्टी करते हैं। हाँ यार लकी चलो। ये क्या मुसीबत है, ठीक ही नहीं हो रहा। भाई जरा सुनो, मुझे अपने गैरेज में काम दे दोगे क्या? ओ भाई तुम, पर भाई तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, इस गैरेज में तुम्हारा क्या काम? भाई थोड़े से पैसे कमा के जिंदगी नहीं काटना है मुझे, काम करते करते कुछ नया काम सीख लूंगा, भाई काम दे दो भाई। ओ भाई तुम तो उदास लग रहे हो, चलो ठीक है काम तो मैं दे दूंगा, पर वो ऑटो देख रहे हो ना वो दो दिन से खराब है, उसे बना दो, समझ लो काम मिल गया तुम्हें। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ भाई। भाई इसके तो इंजन में ऑयल नहीं जा पा रहा है, लगता है कुछ सॉकेट है। अच्छा अब एक मिनट, इन ऑयल पाइप को निकाल के फिर से लगाता हूँ और इसे ऑन कर देता हूँ। ओके अब देखो जरा, ये लो भाई गाड़ी तैयार हो गई। क्या बात है यार, तेरे हाथ में तो जादू है। ठीक है तुझे नौकरी मिल गई समझ ले, कल से तू काम पे आ सकता है और चाहे तो आज ही से ज्वाइन कर ले। ठीक है भाई आपका एहसान रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, वो मुझे राहुल ने भेजा था। ओह तो तुम प्रिया हो, बताया था उसने मुझे तुम्हारे बारे में। जी सर, और मैंने अपनी पूरी डिग्री आपके पीए के पास जमा कर दी है। वेरी गुड, तो कल से तुम जॉब ज्वाइन कर लो, तुम्हारी सैलरी 50,000 होगी। ओके 50,000 एकदम ओके सर। ओह चलो ये काम तो हो गया, पर यार कुछ भी हो ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, क्यों ना इसके लिए कुछ किया जाए, क्या कर सकता हूँ। ओह हाँ याद आया, अरे क्या बात है मेहता साहब, आज आपने फिर ये गाड़ी निकाल ली। हाँ यार पड़े पड़े जंग लग रहा था, आज वो फैक्ट्री वाले ने कॉल किया था, बोलते हैं हम आपकी गाड़ी बना देंगे, तो मैंने बुला लिया इसलिए गाड़ी भी बाहर निकाल दिया, देखते हैं क्या कर पाता है। लीजिए वो आ भी गया मेहता साहब। अरे हाँ क्यों भाई मैकेनिक, आज अचानक से गाड़ी बनाने का जज्बा कहाँ से आ गया तुम में? मैं नहीं साहब, मेरा पार्टनर ठीक कर देगा, कमाल का मैकेनिक है। कन्हैया कर दो गाड़ी ठीक। ठीक है कर देते हैं भाई, पहले देखे तो सही आखिर गाड़ी में समस्या क्या है। और फिर ये लो हो गया। लीजिए सर आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। अरे बाप रे तुम्हारे हाथ में तो जादू है, इस गाड़ी को अब तक कोई ठीक नहीं कर पाया पर तुमने कर दिखाया।
ये क्या बात हुई सन्नी भाई, आपने उनसे काम के पैसे क्यों ले लिए? ऐसे कैसे चलेगा भाई हमारा गैरेज? यार तू नहीं समझेगा, मेहता साहब कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, बहुत बड़े कार इंडस्ट्री के मालिक है। हाँ पर इससे हमें क्या फायदा भाई, अगर किसी का काम फ्री में करेंगे तो इससे हमारे गैरेज में नुकसान होगा ना भाई। ओह तुम आजकल गैरेज में काम कर रहे हो क्या? नहीं है ये क्या प्रिया, तुम कैसे हो? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ कन्हैया, पर तुम हमेशा की तरह आज भी दो कौड़ी के भिखारी ही लग रहे हो। प्रिया क्यों, सुन के बुरा लगा क्या? पर तुम्हें छोड़ने के बाद ना मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है, पूरे 50,000 की नौकरी मिली है मुझे और तुम्हारी इतना कमाने की तो औकात भी नहीं है। पर प्रिया पैसे ही तो सब कुछ नहीं होते ना? होते हैं, पैसे ही सब कुछ होते हैं, पर तुम जैसा दो कौड़ी का आदमी कहाँ समझेगा। एक काम करो, तुम ना मेरे यहाँ नौकरी करो, झाड़ू पोछा करना। ओह तो ये है भाई तुम्हारी समस्या? हाँ भाई, क्योंकि इसे लगता है कि पैसे ही सब कुछ है, इसने सिर्फ पैसों के लिए मेरा प्यार ठुकरा दिया। हाँ भाई दिख तो रहे, सच में बदनसीब है जो तुम जैसे प्यार करने वाले को ठुकरा दी। जान दो भाई, चलो चल के काम करते हैं, क्योंकि और ऐसा अपमान नहीं झेल सकता मैं। देखो प्रिया, क्लॉक टावर पूरे परमुड़ा का सबसे आलीशान बिल्डिंग है। हाँ सर वो तो है। कभी सोचा नहीं था कि इसकी नीलामी होगी। खैर आज अगर जब इसकी नीलामी हो ही रही है तो इसकी बोली भी सबसे ऊंचे दाम से शुरू करनी होगी। हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, 50 लाख कैसे रहेगा? नहीं प्रिया, इसकी पहली दाम 1 करोड़ से शुरू करनी चाहिए। हाँ सर ये और अच्छा रहेगा, तो बोली शुरू करें सर। हाँ सो जेंटलमैन, आप सभी को पता है कि आज आप लोग के सामने यहाँ पर बरमुड़ा के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग क्लॉक टावर की नीलामी होने जा रही है। और क्लॉक टावर की खूबसूरती के बारे में कुछ कहने की तो जरूरत ही नहीं है, ये यहाँ का सबसे लग्जरी बिल्डिंग है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी 1 करोड़ रुपए। सो जेंटलमैन, 1 करोड़ रुपए से बोली स्टार्ट होगी, आगे की बोली आप लगाइए। 10 करोड़ से चालू करते सर, माफ कर दीजिए। कोई नहीं मैंने साहब, 10 हो या 50 मेरा नहीं है था, बस कोई बेवफाए हैं उन्हें दिखानी है उनकी औकात। क्या मतलब सर? कुछ नहीं, पेपर तैयार कीजिए। ठीक है सर, पेपर आपके घर पहुंचा देंगे, मेरा पीए ला देगा सर। ठीक है तो मुलाकात मेरे घर पे होगी। मैडम उन्होंने ही खरीदा, पर बात क्या है बताएंगी? मैडम का तो पता नहीं चौबे जी, पर हम जरूर बताएंगे। अरे सन्नी सर आप, ये मैडम कन्हैया सर के बारे में पूछ रही थी। गुड मॉर्निंग सर, मैं कन्हैया के बहुत पुराने फ्रेंड हूँ, आप उन्हें बुला देंगे? क्यों मैडम, फिर से उनका दिल तोड़ना है क्या? क्या मतलब सर, मैं कुछ समझी नहीं। लगता है आप हमें भूल गए प्रिया जी, पर हम नहीं भूले आपको। आपने तो हंस के ठुकरा दिया था उस नगीने को, आपके जाने के बाद कुछ नहीं रह गया था उसके पास जीने को, बहुत उदास रहा करता था। क्या हो गया भाई, फिर उसे कोई याद कर रहे हो क्या? भाई जो चले गए उसे भूल जाओ ना यार। कोशिश कर रहे हैं भाई पर हो नहीं रहा। अच्छा लेकिन अब भूल जाओगे क्योंकि एक कमाल का न्यूज लाए हैं। वो मेहता साहब याद है ना, उनको तुम्हारा कार वाला प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। क्या बात कर रहे हो भाई, तुमने उन्हें दिखाया हमारा प्रोजेक्ट? हाँ और उन्होंने तुम्हें मिलने बुलाया है। चलो बुरे दिन गए भाई तुम्हारे, भूल जाओ उस डायन को। और एक बात तो आपने सुनी ही होगी मैडम, अंधेरा होता ही है उजाले के आने के लिए, और शायद अगर आप उसे छोड़ के नहीं जाती ना तो आज वो ये नहीं बन पाता जो है। अरे वाह भाई वाह,
आओ काना आओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो साइन हो गया यार। क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। देखो यार, मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसे सीधा पॉर्गेट्री भेज दिया। वहाँ गया तो हेड को बहुत ज्यादा पसंद आ गया, वो तुम्हें पॉर्गेट्री बुला रहे हैं। मेरा मानते हो तो चले जाओ यार, 6 महीना लगेंगे लेकिन उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। सॉरी सर, पर मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का प्रोजेक्ट हो। इसमें तो रिस्क है लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है। एक काम करो, तुम प्रोजेक्ट शुरू करो, पैसे मैं लगाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर। और उस दिन और उस डील ने कन्हैया की जिंदगी बदल दी, क्योंकि लड़का तो शुरू से स्टार था मैडम, बस आपने ही नहीं समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, एक बार बुला दीजिए ना उसे, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं ये तो मैं बहुत अच्छे समझता हूँ मैडम, पर क्या कर सकते हैं, मिल लीजिए। काना, काना प्लीज मुझे माफ कर दो काना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सकी, प्लीज मुझे माफ कर दो काना। क्या तुम्हें सच में तुम्हारी गलती का एहसास है? हाँ काना, सच में मुझे माफ कर दो काना। क्या सच में माफ कर दूँ? कन्हैया पागल हो गया क्या तू? भूल मत क्या किया था उसने तेरे साथ। उनकी बात मत सुनो काना, तुम कहो तुम कर रहे हो ना अपनी प्रिया को माफ। सच कहूँ तो मेरा मन करता है कि मैडम आपको पकड़ के दे दूँ फांसी, पर ये नहीं है इंसाफ है। और सच कहूँ ना तो इतनी सी सजा आपके लिए नहीं है काफी। ये क्या बोल रहे हो काना, मैं हूँ तुम्हारी प्रिया, अपनी प्रिया को ऐसे सजा दोगे काना? अजी घंटा मेरी प्रिया, आपने प्यार मुझसे नहीं मेरे पैसों से किया, और ना हो सके तो निकलो आप यहाँ से, क्योंकि मेरे कहने पे मेरे गार्ड ने कईयों को मार दिया। और हाँ, तू है 2 कौड़ी की लड़की और 2 कौड़ी का तेरा औकात, तू मुझसे प्यार करेगी? अबे खाएगी लात। गाइस देखो, बहुत दिन के बाद पूछ रहा हूँ कि वीडियो कैसा लगा, सच सच बता देना।